टेस्ट नहीं दोगे तो पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। आप कितना भी पढ़ लो, टेस्ट ना दो तो कोई फायदा ही नहीं है। आप नए क्वेश्चन को फेस करने की आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, और जब हिम्मत ही नहीं आएगी तो वहां भी नहीं कर पाओगे। मीन्स एग्जाम देने के लिए वहां टेस्ट देना है, ये नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट करने का वेट करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सिलेबस वेट करने का सिलेबस कंप्लीट करने का आप वेट मत कीजिए। बहुत सारे टेस्ट है यार, बहुत टेस्ट है। अभी तक 19 नॉन पीवाईक्यू टेस्ट अपलोड हो चुका है एमएस का, और 3 प्रीवियस ईयर। कल एक टेस्ट था, मैं अपलोड करने के लिए दिया था, वो अपलोड नहीं हुआ था। टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे होगा? एटलीस्ट आप टेस्ट दोगे तो आपको आइडिया चलेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, और बेहतर अप्रोच मिलता जाएगा, ठीक है ना, बेहतर स्ट्रेटजी मिलती जाएगी। वो टेस्ट से ही आएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, कैसे आपके पास स्ट्रेटजी आएगी बेहतर पढ़ने की? अब मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि इससे भी आपको बेहतर स्ट्रेटजी मिल जाए। इससे भी आपको बेहतर स्ट्रेटजी मिलेगा जब आप टेस्ट दोगे, लेकिन आप टेस्ट देने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे कि उसमें आपको टॉप करने के लिए टेस्ट देना है। अरे भाई, सीखने के लिए टेस्ट देना है, टॉप करने के लिए टेस्ट नहीं देना है। मेरे टेस्ट में कभी टॉप नहीं कर पाओगे। 50 मार्क्स कर लोगे बहुत है, टॉपर का 50 हो जाएगा वही बहुत है। मेरे टेस्ट में 50 लाना इतना आसान नहीं है। आप 30 नंबर भी यहाँ ला रहे हो ना, तो दूसरे टेस्ट में, दूसरे जगह भी जितने भी टेस्ट है उसमें वो 40-50 के बराबर है, 70-80 के बराबर है वो। और आप टेस्ट देने के लिए नाम ही नहीं ले रहे हो। इतना मेहनत से टेस्ट बन रहा है, समझ रहे हो कितना मेहनत लग रहा है टेस्ट बनाने में? बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है। एक एक पेपर बनाने में 200-300 आवर्स लग रहा है, और आप टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, तो इतना मेहनत करने का क्या फायदा है? जब आए हो मेरे पास टेस्ट सीखने के लिए तो सीखो आराम से। केवल पढ़ने से नहीं होगा एग्जाम, केवल पढ़ने से क्रैक नहीं होगा। अभी तक जितना भी रिजल्ट रहा है वो टेस्ट का ही नतीजा है। पिछले बार भी रिजल्ट उन्हीं का हुआ जिन्होंने सभी रेगुलर टेस्ट दिया, उन्हीं का केवल रिजल्ट है, बाकी का तो है ही नहीं। बाकी एकाध दो गिने चुने हैं, तो क्या आपको 98% में लाई करना है कि 2% में लाई करना? 2019 की बात करो, 21 की, उसमें भी टेस्ट के ही बदौलत विशाखा और दक्ष का रैंक आया था। भले रेगुलर क्लास पढ़े, लेकिन मेन टेस्ट का ही उसका वो था, सब कुछ टेस्ट का ही आउटपुट था वो। इसके बाद 2022 में जो श्रुति का रिजल्ट आया, श्रुति देवर गया मयूर, ये सब टेस्ट का ही नतीजा था। यदि ये टेस्ट नहीं देते तो शायद ये इतना मार्क्स नहीं कर पाते, या इनका इतना बेहतर रैंक नहीं आता, और ये IIT बॉम्बे नहीं जाते। तो टेस्ट का ही नतीजा था कि इनका इतना बेहतर रैंक आया। वो टेस्ट दे करके चीजों को सीखते थे, टेस्ट के थ्रू ही आप चीजों को सीखोगे। इसके बाद नेक्स्ट बैच 2023 का इतना बम्फर रिजल्ट आया, वो भी टेस्ट का ही नतीजा था। सुधांशु जो केवल 27 मार्क्स किया था IIT में 2021 में, उसको NIT त्रिची मिला, वो केवल टेस्ट, माने वो तो लेट ज्वाइन किया था, मुझे लग रहा है कि अगस्त के आसपास या अगस्त मिड अगस्त के बाद उसने ज्वाइन किया था। वो मिड अगस्त के बाद ज्वाइन किया था, और वो टेस्ट को रगड़ के देता था, वो पूरी तरह से टेस्ट पर डिपेंडेंट हो गया था, उसी को अच्छे से करता था कंप्लीट। तो कम से कम 27 मार्क्स तो किया ना यार, जो जीरो करने वाला था वो 27 मार्क्स लाया टेस्ट के बदौलत। श्रुति जो उतना मार्क्स नहीं ला पाती, वो 60 मार्क्स लाई टेस्ट के बदौलत, उसका 60 मार्क्स था। तो जो आप सोच रहे हो अभी जीरो जीरो, पांच पांच मार्क्स भी आ रहा है ना,
समझो कि वो 20-25 मार्क्स के बराबर है, यदि आप हर एक टेस्ट में 5 मार्क्स भी ला रहे हो दे करके, और टोटल 60-70 टेस्ट होने वाला है, पोर्टल की मैं बात कर रहा हूं, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में मिनिमम 25-30 मार्क्स लाओगे, और कभी कभी इतने पर कॉलेज मिल जा रहा है, इस बार तो इतने पर ही कॉलेज मिला, तो आप 5 मार्क्स आ रहा है इसलिए आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आपका 5 मार्क्स आ रहा है इसलिए आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, बाकी कुछ नहीं। तो टेस्ट दोगे तो आपके आपका ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा, टेस्ट के बिना ग्रोथ नहीं होगा आपका। टेस्ट जितना आ रहा है उतना ही करो, मैं बार बार कह रहा हूं, जितना आ रहा है उतना ही, कम से कम पता तो चल रहा है ना यार, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था यार, मैंने यूनिवेरिएट पढ़ा था 3 दिन पहले, क्वेश्चन नहीं हो रहा, किस चीज की कमी आ रही है, यानी रिवीजन की कमी है, उसको और ज्यादा रिवीजन करेंगे हम, और ज्यादा रिवीजन, जब निकालना है तो जिद्दी होना है, सिंपल सी बात है, जब चाहिए तो किस टाइप का बहाना भाई भाई, पैसा कमाना ना बहुत टफ काम है, जब आओगे ना फील्ड में तब पता चलेगा, स्टूडेंट लाइफ ही आपका गोल्डन लाइफ है, इसके बाद पैसे की बारी जैसे आएगी ना कमाने की, तो लक्ष्मी आना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है, जिसको आप पढ़ाई के ही दम पर आसान बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। आईआईटी में अभी प्रेजेंट टाइम में रिसेशन चल रहा है, तो यदि कहीं 100% प्लेसमेंट है तो वो आईआईटी है, मैं ये नहीं कहता कि बाकी जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो स्ट्रगल जो आप बाद में करना चाहते हो अभी कर लो ना, जो स्ट्रगल बाद में करोगे कॉलेज में जाकर के, वो स्ट्रगल अभी कर लो, वो मेहनत अभी कर लो, ताकि आपका वो समय आसान हो थोड़ा बहुत आईआईटी में जाकर के, क्योंकि जॉब की सियोरिटी है कि लगेगा ही लगेगा, गारंटी है कि लगेगा ही लगेगा। तो आपके आपको ये डिसाइड करना है ना कि आपको अभी मेहनत करना है, कि 1 साल के बाद मेहनत करना है, कि 2 साल के बाद मेहनत करना, तो है ये तो तय है, ये तो 100% फिक्स है कि आपको मेहनत करना है, चाहे आप अभी कर लो या 5 साल के बाद करो या बुढ़ापे में करो, मेहनत तो करना है, जो आपके हिस्से का मेहनत है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी आपको क्षमा नहीं कर दिया जाएगा कि चलो आप बिना मेहनत कहीं, मेहनत तो करना है, चाहे आज करो नहीं तो कल करो, और बिना मेहनत का आपको कोई इज्जत भी नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। मेरे भी गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जो बाप के पैसे पर अभी भी खा रहे हैं, लेकिन उनकी समाज में रत्ती भर इज्जत नहीं है, रत्ती भर इज्जत नहीं है, क्योंकि वो कुछ करते नहीं है, अलहदी की तरह बैठ करके खाते रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, तो जब कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, तब जाकर के अंदर से चुभेगा कि आपने अभी तक क्या पाया, काश मैं ये कर लिया होता, और कोई बंदा आपके सामने खड़ा होगा उसकी इज्जत होगी, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, पूछेगा क्या, रिस्पेक्ट ही नहीं कोई देगा, रिस्पेक्ट उसी की होती है जो मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि केवल पैसे से रिस्पेक्ट होती है, पैसा तो है लेकिन साथ में वो मेहनत भी कर रहा है इसलिए उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। तो मेन प्रायोरिटी मेहनत की है, पैसा नहीं भी है मेहनत ही है, फिर भी रिस्पेक्ट होगा उसका। तो आपको तो मेहनत करना ही है, करना अभी नहीं तो बाद में करना, और वो आपको डिसाइड करना नहीं है, जैसे कि आप लोगों को एकदम डायरेक्ट टॉप ही करना, कर लेना टॉप, पता चल जाएगा 11 फरवरी को, जो इस बार का बम्पर रिजल्ट आया, 70 बच्चों को आईआईटी मिला है, वो टेस्ट का ही नतीजा है, क्या सबका 60 मार्क्स आया है? अरे 60 मार्क्स तो टॉपर का नहीं आया है, टॉपर का 59 है, सेकेंड टॉपर का 55 है, थर्ड का 54 है, इसके बाद राहुल का 45 है, 29,
माधव का 55 रैंक है, 35 मार्क्स पर। 30 जिसका रैंक है, सॉरी जिसका 30 मार्क्स है उसका 98-97 रैंक है। तो भाई इतने मार्क्स पर भी बेहतर रैंक आ रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो मिल ही ना जाएगा। IIT नहीं तो NIT मिलेगा, NIT नहीं तो IIIT मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट 40 मार्क्स लाना चाहते हो, तो कैसे पॉसिबल है ये, कैसे डायरेक्ट पॉसिबल है? जब तक आप पूरा टेस्ट नहीं दोगे अचानक 40 मार्क्स कैसे आएगा आपका? इम्पॉसिबल है आना। वो लोग टेस्ट एटलीस्ट देते थे, और आपको विश्वास नहीं होगा पिछले बार 340 बच्चा था और केवल मुश्किल से 100 के आसपास टेस्ट देता था, 100 के आसपास लड़का रेगुलर टेस्ट देता था, और सिलेक्शन केवल उन्हीं का हुआ है, दूसरे का हुआ ही नहीं। दूसरे का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, चाहे 2021 की बात हो, 22 की बात हो, या 23 की बात हो, उन्हीं का केवल सिलेक्शन हुआ जिन्होंने टेस्ट दिया। तो आप भी टेस्ट देते हो तो सिलेक्शन सिक्योर है, होगा ही होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। बिना टेस्ट का आप IIT भूल जाओ कि आपसे आप IIT के गेट तक भी पहुंच पाओ। आपके अंदर डेडिकेशन की कमी है भाई, मोटिवेशन। अरे भाई IIT से बड़ा मोटिवेशन क्या है? आपको लाइफ में बेहतर करना है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है आपके लाइफ में भाई? कि हम दुनिया के बेस्ट प्लेस पर जाने वाले हैं, इससे भी बड़ा कोई मोटिवेशन? वो IIT है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। हमारे पास क्या था जब हम IIT में नहीं थे? तो क्या था? कुछ नहीं था। ये चीज है, तो IIT आपको बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ देगी।